आज हम लोग विश्व की प्रमुख एक महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और ये हम लोग गूगल अर्थ के सहारे थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से। तो पहले हम लोग मोटी मोटी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं, जैसे कि हम लोग दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का हम लोगों ने एक दिन अध्ययन किया था। ये बीच वाला जो पार्ट है ये वाला, ये इसे हम लोग मध्य अमेरिका कहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे देश हैं, जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट ये आपका है, ये जहाँ पंजा रखा हुआ है ये है पनामा, और हम लोगों ने पढ़ा था कि ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये डेरियन है और ये गल्फ ऑफ पनामा है। बाकी जैसे ही आप थोड़ा सा पनामा के जब बगल में जाएंगे आप, तो ये कोस्टारिका है, ये वाला निकारगुआ है, फिर ये आपका होंडुरास है, ये एल सल्वाडोर है, ये आपका जो है होंडुरास हो गया, फिर ये आपका ग्वाटेमाला है, ये वाला जो आपका है ये बेलीज है। तो इसको थोड़ा सा आपको याद करना होगा, जैसे ये पनामा है, पनामा के बाद फिर तुरंत कोस्टारिका है, कोस्टारिका के बाद तुरंत निकारगुआ है, निकारगुआ के जस्ट यहाँ पे बगल में देखेंगे एल सल्वाडोर, ऊपर जो है होंडुरास है, ये जो पार्ट है आपका ये आपका है ग्वाटेमाला, ठीक है, ऊपर बेलीज है। ये है चार पांच देश, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये पूरा जो बड़ा सा पार्ट है ये आपका है मैक्सिको, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये मैक्सिको है, इस पूरे एरिया को बोलते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, पूरा एरिया क्या है गल्फ ऑफ मैक्सिको। हालांकि थोड़ा सा नीचे आएंगे इस पार्ट में, इसको गल्फ ऑफ कैंपेचे भी कहते हैं, गल्फ ऑफ कैंपेचे भी कहते हैं, ठीक है। और ये वाला जो है यहाँ से जलधाराएं चलती हैं, तो इसको यूकाटन चैनल बोलते हैं, यूकाटन, ठीक है, यूकाटन चैनल है। और यहाँ पे जो स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट इसको इस एरिया में ये देखिए थोड़ा सा देखिए बढ़िया से, ये फ्लोरिडा स्टेट है, तो फ्लोरिडा स्टेट के पास ही फ्लोरिडा जलधारा चलती है। जैसा कि हम लोगों ने करंट वगैरह में जब पढ़ा होगा तो हम लोगों ने ये पढ़ा होगा कि विषुवत रेखा के सहारे ये जो है विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तर विषुवत रेखा जलधारा चलती है, जब इस एरिया में आती है तो ये फिर ये कई भागों में बढ़ जाती है, जैसे कैरिबियन, जैसे मान लीजिए विषुवत रेखा यहाँ से विषुवत रेखा देखिए ऐसे गई है, पंजाब इधर जा रहा है, ये विषुवत रेखा गई है ऐसे, तो यहाँ जो विषुवत रेखा आती है जब इस एरिया में आती है तो जो कैरिबियन सागर में प्रवेश करती है उसे हम लोग कैरिबियन जलधारा या एंटलीज जलधारा बोल देते हैं, ठीक है। और उस जलधारा जो फिर इधर से यहाँ से मूव करती है ऐसे करके, यहाँ से मूव करती है इसको हम लोग फ्लोरिडा जलधारा कहते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेट है इसे हम लोग फ्लोरिडा स्टेट कहते हैं, ठीक, ये बात क्लियर हो गई। बाकी अब देखिए और कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे ये देखिए छोटे छोटे बहुत सारे देश है, तो उसमें मुख्य देशों के बारे में हम लोग आज जानने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है क्यूबा, तो इसका मतलब ये आपका क्यूबा है, ठीक है, बहुत साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, ये देखिए ये क्यूबा है, ये बहामास है, ठीक है, ये कैमन आइलैंड है, ये जमैका है, ठीक है। इस पूरे जितने भी यहाँ आइलैंड है इसको हम लोग जो है कैरिबियन सागर के द्वीप है, ठीक है, और वेस्ट इंडीज भी साठ में इसको बोल देते हैं, वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम है, इसमें से सारे देशों से मिल करके खिलाड़ी खेलते हैं। तो ये क्यूबा, कैमन आइलैंड, जमैका, बाकी जब आप आगे बढ़ेंगे ये जो छोटा सा यहाँ पे है तो ये छोटा सा पार्ट ये हैती है, ये बगल में डोमिनिकन रिपब्लिक है, बाकी ये देखिए टर्क्स एंड टर्क्विस आइसलैंड है, प्यूर्टोरिको है, तो जो दिख रहा है उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्यूबा है, जमैका है, बहामास है, ये आपका ये वाला पार्ट हैती है, ये प्यूर्टोरिको है, नहीं डोमिनिकन रिपब्लिक है, ये आपका प्यूर्टोरिको है, बाकी यहाँ सब देखिए बहुत सारे छोटे छोटे से देश हैं, तो कुछ अपना दिमाग में रखिए, अरुआ है, कराकाओ है, बस ये हल्का सा रीडिंग मारे रहिए ताकि अगर आ जाए विकल्प वगैरह में तो आपको समझ में आ जाए कि ये वाकई में ये सब देश का, सेंट लूसिया है, ग्रेनडीज है, ट्रिनिडाड एंटीगो का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने,
एकदम ब्राजील के पास है, ब्राजील नहीं वेनेजुएला के पास है, ठीक है, ये वाला है। और यहाँ पे जो देश है ना इनको एंटलीज देश कहते हैं, ठीक है, ये जो यहाँ सब देश है इसको एंटलीज देश बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे जो जलधारा चलती है उसको एंटलीज जलधारा या कैरिबियन जलधारा भी कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि एक एक मोटी मोटी जानकारी हम लोगों के पास आई है कि अगर इस मध्य अमेरिका और कैरिबियन सागर में जो देश स्थित इसका स्टडी हम लोग कर रहे हैं, जैसे ये है कि सब नाम ही दिख रहा है, पनामा, कोस्टारिका, निकारगोवा, होंडुरास, होंडुरास के जस्ट नीचे जो है आपका एल सलवाडोर है, ये ग्वाटेमाला, ये बेलीज है, ठीक है, ये आपका तो मुझे लगता है क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे गल्फ ऑफ डेरियन है, ये गल्फ ऑफ पनामा है, तो यहाँ से हम लोग निकल आते हैं और इस एरिया हम लोग पहुँचते हैं फिर, ठीक है। यहाँ पे हमने बताया था, ये देखिए मैक्सिको की खाड़ी है, ये बड़ा वाला ये पार्ट मैक्सिको की खाड़ी है, क्योंकि ये मैक्सिको देश है बगल में, ठीक है। बाकी ये गल्फ ऑफ कैम्पेचे है, यहाँ पे गल्फ ऑफ कैम्पेचे है, ठीक है। और इस एरिया में जो है उसको हम लोग यूकाटन चैनल बोलते हैं। और यहाँ पे जो स्टेट है, जलसंधि है, कह सकते जो मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, या इस एरिया में आप लोगों ने जलधारा आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पे एक सागर जिसको हम लोग बोलते हैं सार्गासो सागर, ठीक है। सार्गासो सागर बेसिकली उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, और यहाँ पे एक ऐसी घास, जड़ विहीन घास पाई जाती है, ठीक है, और उसी के नाम पे इसका नाम सार्गासा में घास का नाम, उसी के नाम पे इसका नाम सार्गासो सागर पड़ा है। ये आप लोग जब कभी भी आप पढ़ेंगे महासागर जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में, तो ये एरिया मिलेगा कि ये ऐसा एरिया है। फोकस नहीं करते हम लोग अपने मैप पे, फोकस करते हैं। तो ये मुझे लगता है मोटा मोटा एरिया अब आपका हो गया क्लियर। क्यूबा, कैमन आइलैंड, जमैका, बहामास, टर्क्स एंड कैकोस, ये है आपका हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, पोर्टोरिको, और यहाँ देखिए बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, तो अपना मॉस्ट डोमिनिका, सेंट लूसिया, ग्रेनेडा, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ध्यान रखिए, अरुबा, करागाओ ध्यान रखिए, बाकी ये सबको पता, देखिए ये वेनेजुएला है, वेनेजुएला के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही था, कोई दिक्कत है नहीं, वेनेजुएला की राजधानी कराकास है, ठीक है। तो मुझे लगता है अब इस एरिया में कोई डाउट आपके पास नहीं होना चाहिए। अब इधर हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, ये देखिए कैलिफोर्निया की खाड़ी है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है, ठीक है। और ये देखिए ये जो पीली कलर की लाइन पड़ी है, ये बता रहा है ये वाला पार्ट किसका पार्ट है, मैक्सिको का पार्ट है, ठीक है, अपना ये दिमाग में रखिएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, पहले मोटा मोटा हम लोग बाउंड्री क्लियर करते हैं। ये ध्यान रखिए कि उत्तरी अमेरिका में सिर्फ दो देश हैं, ये वाला जो पार्ट है पूरा ये कनाडा है, और बीच वाला जो पार्ट है ये आपका यूएसए है, दो देश हैं। यूएसए में लगभग 50 देश हैं, बाकी इसके पास 14-15 प्रांत है, यूएसए के पास 50 प्रांत है, सॉरी जैसे मैं ये स्टेट होता है वैसे इसके पास 13-14 प्रांत है, ठीक है, कनाडा के पास। अब हम लोग एक तरफ इसको थोड़ा सा फोकस करते हैं, किनारे किनारे पहले फोकस करते हैं। तो ये वाला मुझे लगता है कि ये आपका कैलिफोर्निया हो गया, अब इस कैलिफोर्निया इसको पेनिनसुला भी बोलते हैं, कैलिफोर्निया पेनिनसुला बोलते हैं, जो कि मैक्सिको का पार्ट है। और यहाँ पे जब जैसे यहाँ पे आप आएंगे इस एरिया में आपको एक मरुस्थल मिलेगा जिसका नाम है मोजावे मरुस्थल। मोजावे मरुस्थल किसका पार्ट है, यूएसए का पार्ट है, जिसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं और जैसे आप ये कह सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका में जैसे आपको एंडीज पर्वत श्रृंखला मिली थी, वैसे पूरे इस उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रृंखला है। ये रॉकी पर्वत श्रृंखला है, ये वाला क्या है, ये रॉकी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, रॉकी पर्वत, थोड़ा किनारे वाला पार्ट छोड़ दीजिएगा, ठीक है, किनारे वाला ये मान के लिए ये रॉकी पर्वत श्रृंखला है, ये किनारे वाला जो है इसको छोड़ दीजिएगा, ये बड़ा कर देते हैं, जैसे देखिए ये जो पार्ट है ये ठीक है, ये पार्ट रॉकी पर्वत श्रृंखला, ये वाला इसको अलग रेंज है नाम, अभी हम लोग इसको करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये रॉकी पर्वत श्रृंखला हो गया। अब जो है हम लोग अगर इधर से स्टार्ट करते हैं तो इस एरिया में जब आप आएंगे, ये एक्चुअली ये है बेसिकली अलास्का है, इस एरिया को अलास्का बोलते हैं, और ये कह सकते हैं यूएसए का 49वां प्रांत, बाकी 48
स्टेट इसके अंदर में है यूएसए के, ये यहाँ पे है 48 और ये इसका 49वां प्रांत है ये, ठीक है, ये 49वां प्रांत है। और 50वां प्रांत जो है वो हवाई द्वीप समूह है जो कि पैसिफिक ओशन में है, ठीक है, उसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, हवाई द्वीप समूह, इसको हम लोग खोज लेंगे अभी, पहले इसको हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप आइए, देखिए आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये जो पार्ट है ये देखिए यहाँ पे रसिया है, ये वाला पार्ट रसिया है, ये यूएसए अलास्का जो यूएसए का पार्ट है, ठीक है। और ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा तो ये जो लिखा हुआ है ये वाला जो आपको आर्क टाइप का दिख रहा है ये है अलास्का पेनिसुला है, ये इसको हम लोग अलास्का पेनिसुला बोलते हैं। इधर से जब आएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, अलूसियन हो जाएगा, ये ध्यान रखना, बस सिंपल सी बात है। जब आप एशिया महाद्वीप पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें एकदम बेसिकली समझ में आएंगी, इधर से अलास्का है, इधर से अलूसियन है, ठीक है। तो ठीक है, अब आगे देखिए ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये जो जल संधि है इसका नाम बेसिकली है बेरिंग जल संधि, ठीक है, बेरिंग जल संधि इसका नाम है। और जब हम लोग इस एरिया में जो सागर है उसको हम लोग बेरिंग सागर कहते हैं, इधर जो पार्ट है इसको हम लोग चुकसी सागर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा धीरे धीरे करके हम लोग स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये है बेरिंग जल संधि, जो कि ये जो बेरिंग जल सागर है और ये जो इधर चुकसी सागर है, यानी कि ये चुकसी सागर जो है स्पेशली आर्कटिक महासागर का पार्ट है, जबकि ये आपका बेरिंग सागर जो है बेसिकली पैसिफिक ओशन का पार्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखना हम लोगों को है, ठीक है। ये बेरिंग हो गया, अब हम लोग थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। डीप में आप देखेंगे यहाँ पे ये जो आइलैंड है, ये देख रहे छोटा सा आइलैंड है, ये जहाँ जहाँ पंजा ये आइलैंड है, इसका नाम है सेंट लॉरेंस, ठीक है, सेंट लॉरेंस आइलैंड है। और ये जो है इसको नुनिवाक आइलैंड बोलते हैं, ननिवाक या नुनिवाक आइलैंड बोलते हैं, और ये आपका क्लियर हो गया। बाकी अब देखिए ये जो पहाड़ी, ये जो पहाड़ी है इसको हम लोग ब्रुक्स रेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रुक्स रेंज। तो हम लोग चाहें तो थोड़ा सा कभी कभी हल्का सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे टाइम थोड़ा सा लगेगा, ये ब्रुक्स है, तो ब्रुक्स पहाड़ी है ये। बाकी आप ये जैसे इस पार्ट में आप आएंगे, ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ये वाला पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट जो है इसको हम लोग अलास्का बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलास्का, ठीक। ये है अलास्का, ठीक है। और ये जो ये पहाड़ी यहाँ पे है, एक हल्की पहाड़ी है, कैसे ये ग्रस्त, देखिए ये हल्की सी पहाड़ी है, ये हल्की सी पहाड़ी, इसका नाम है कुस्पोक डिम, तो इसको भी आपको याद कर लेना है, ये क्या है, कुस्पोक डिम है, कुस्पोक डिम, कुस्कु भी है। तो ये आप इस एरिया को अगर हम और थोड़ा सा शॉर्ट कर दें, और ये हमारा देखिए ये ब्रुक्स है, कुस्कु भी है, ये अलास्का है, ठीक है। और देखिए ये पहाड़ी फिर है, ये जो पहाड़ी है कुस्कु भी के जस्ट इधर, इसको हम लोग बोलते हैं मैकेंजी माउंटेन्स, ये क्या है, मैकेंजी है, मैकेंजी माउंटेन, ठीक। तो ये हो गया मैकेंजी, अब आगे देखिए इसको हम लोग, ये मैकेंजी हो गया, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है कुछ नदियां हैं, इसको हम लोग कर देते हैं, देखिए कुछ नदियां हैं,
तो तीन पहाड़ियां हो गई, ये आपका ब्रुक्स है, ये यहाँ पे कुस्कोगी में, ये अलास्का है, और ये वाला जो है ये मैकेंजी है। ये क्लियर हो गया। और अब इसमें देखिए कुछ नदियां हैं, नदियों में जैसे देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नदी है यहाँ पे यूकोन नदी है। ये देखिए यूकोन प्रांत भी लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, यूकोन प्रांत, तो यूकोन नदी है। ये ऐसे बह करके जा करके आपका जो है वो गिर जाती है जा करके बेरिंग सागर में, आपके ऐसे जा करके गिर जा रही है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे गिर जाती है, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये यूकोन नदी यहाँ पे इम्पोर्टेंट नदी है, यूकोन प्रांत पे यूकोन नदी भी है, ठीक है। तो ये यूकोन प्रांत बेसिकली किसका प्रांत, किसका पार्ट है, कनाडा के। देखिए जो पीली लाइन पड़ी ये बता रहा है कि इधर कनाडा है, इधर यूएसए है, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा और इसको डीप में चलते हैं। यूकोन नदी हो गई, और फिर आपका जो है कुछ यहाँ पे पहाड़ियाँ वगैरह भी हैं। जैसे देखिए एक पहाड़ी आपको मिलेगी, मैकिनले पहाड़ी मिलेगी यहीं अलास्का पे ही, ये वाला सब अलास्का है, यहाँ पे एक पहाड़ी मिलेगी जिसका नाम मैकिनले है। और थोड़ा जस्ट नीचे इस एरिया में आएंगे आप, यहाँ पे इस एरिया में, जैसे ही आप आएंगे इस एरिया में, इस एरिया में, तो यहाँ पे दो तीन पहाड़ियाँ आपको मिलेगी, माउंट लोगोन है, माउंट इलियास है। तो ये दो पहाड़ी आपको और याद रखना है। तो एक तो माउंट मैकिनले हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे माउंट लोगोन और माउंट एलियास हो गया, ठीक है। मैं आप देखते रहिए ज्यादा। अब देखिए ये बेसिकली देखिए ये अलास्का प्रांत है, तो अलास्का पहाड़ी आपको मिल गई। देखिए यहाँ गल्फ ऑफ अलास्का भी है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आगे देखिए और इंटरेस्टिंग पॉइंट, तो ये हो गया। और बाकी यहाँ फिर देखिए कुछ, ये एक द्वीप है जिसका नाम कोडियाक है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे द्वीप हैं, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए ये बेसिकली ये देखिए यहाँ देखिए ना, हमने बताया था ना चुप्सी सागर, देखिए लिखा हुआ साफ साफ दिख रहा होगा चुप्सी सागर। जैसे ये देखिए आपका ये ब्रुक्स रेंज है, ब्रुक्स रेंज के जस्ट उत्तर में जैसे आएंगे ये देखिए बेवकूफ सी है, कौन सा सी है, देखिए ये आर्कटिक ओशन लिखा हुआ है, सब इसके आर्कटिक ओशन के ही पार्ट है, ठीक है। तो ये बेवकूफ सी हो गया। अब देखिए और हम लोग इधर बढ़ते हैं, ठीक है, ये वाला हम लोग का पोर्शन मोटा मोटा क्लियर हो गया। अब जैसे हम लोग एक बार ये देखिए अलास्का है, ये अलास्का है, ये मैकिंजे है, ये कुस्कोकी में, ये ब्रुक्स है, ठीक है। यहाँ ये बेरिंग स्टेट है, ये चुप्सी सागर, ये बेरिंग सागर है, ये आपका आपका अलास्का अलास्का पेनिसुला है, ठीक है। ये आपका कोडियाक द्वीप है, ठीक है। ये आपका जो ये द्वीप है इसका नाम जो है वो सेंट लॉरेंस है, ये नुनिवाक आइलैंड है। एक यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है इसको सीवार्ड सीवार्ड पेनिसुला भी कहते हैं, सीवार्ड पेनिसुला, पेनिसुला माने प्रायद्वीप होता है, ठीक है। और बाकी यहाँ मैकिनले आइलैंड है, यहाँ लोबोन और एलियास है। तो ये एक नदी बहती है जिसका नाम है यूकोन नदी है, बाकी और भी नदियां मिल सकती है, लेकिन यहाँ का जो मुख्य नदी उसका नाम यूकोन है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको और मैं बताता हूँ कि ये जो मैकिंजे पर्वत है यहाँ पे, इसी जस्ट देखिए बगल से एक नदी गई, देखिए ध्यान से, ये देखिए नदी गई हुई है, ये नदी गई हुई है, कहाँ गिरती जाके बेवकूफ सी में, इसका नाम क्या, मैकेंजी नदी है। तो सिंपल है, मैकेंजी पहाड़ी, मैकेंजी नदी है, ठीक है, अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए ये जो एरिया है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस कॉम्प्लिकेटेड एरिया को हम लोग फोकस करते हैं फिर, और फिर ये काफी ईजी हो जाएगा। देखिए तो इसमें हम लोग मोटा मोटा दिमाग में रखते हैं। तो देखिए पहली बात तो ये आप दिमाग में रखिए कि देखिए ये पार्ट है, ये देखिए ये तो है ग्रीनलैंड, ठीक है। तो ग्रीनलैंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का पार्ट है, ठीक है, डेनमार्क यूरोप महाद्वीप में है, ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। बाकी जो ये है इसका नाम है एलिसमेरे, ये ग्रीनलैंड, फिर ये एलिसमेले एलिसमेरे, और फिर जस्ट नीचे ये जो सब आपको दिख रहा है, ये वाला सारे जो द्वीप दिख रहे हैं, ये सब द्वीप दिख रहे हैं, इसको क्वीन एलिजाबेथ कहते हैं। इसी में इधर वाला जो ये वाला पार्ट, इसको प्रिंस पैट्रिक बोलते हैं, ठीक है। ये आपका वैंग्स आइलैंड है, ये आपका विक्टोरिया आइलैंड है, ठीक है, और फिर ये आपका प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड है, ठीक है, ये बैफिन द्वीप है। तो बस कुछ सब एकदम नहीं याद करना है, बस कुछ नाम आपके दिमाग में होना चाहिए कि ठीक है ये आपका ग्रीनलैंड है, ये एल्समेरे है, ये विक्टोरिया है, यहाँ पे प्रिंस पैट्रिक्स है, ये बैंक्स है, और ये विक्टोरिया है, ठीक है, सॉरी ये क्वीन एलिजाबेथ है, ये विक्टोरिया है, ये बैंक्स है, ठीक है, ये अब तक हो गया। बाकी भी बहुत सारा है इसमें छोटा छोटा, जैसे ये आपका ये वाला जो पार्ट है, ये
ये वाला जो पार्ट है ये, इसको भूतिया भूटिया भूतिया जो है पेनिनसुला बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बगल में जस्ट एक देखिए द्वीप है यहाँ पे, इसको साउथहैम्प्टन आइसलैंड बोलते हैं, ठीक है। ये जो बड़ा सा आपका ये बैफिन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बैफिन और ग्रीनलैंड के बीच में एक खाड़ी है जिसका नाम है बैफिन बे, ठीक है, तो इसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे ये खाड़ी हो गई, फिर यहाँ पे फिर एक बैफिन बे हो गया ये, या फिर यहाँ पे ये जो इतना बड़ा स्पेस है जो कि इस एरिया में जो जल है, इस एरिया में यहाँ पे जो बैफिन की खाड़ी को जोड़ता है किससे, लैब्राडोर सागर से, उससे हम लोग बोलते हैं डेविस स्ट्रेट। ये क्या है, यहाँ पर डेविस स्ट्रेट है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा उसका नाम लिखे है, ये देखिए लैब्राडोर लिख रहा है, यहाँ देखिए बैफिन लिख रहा है, सिंपली दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए डेविस नहीं, डेविस देखिए डेविस स्ट्रेट भी लिख रहा है, ठीक है। ये डेविस थोड़ा सा जूम करेंगे, ये देखिए बैफिन लैब्राडोर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो गूगल अर्थ में आप अगर ना जूम करके देखेंगे बहुत सारी चीज़ें लिखी दिखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया, तो मुझे लगता है ये आपका मोटा मोटा हो गया क्लियर। ये आपका ग्रीनलैंड है, ये आपका जो एलिस मेरे है, ये क्वीन एलिजाबेथ है, यहाँ पे प्रिंस पैट्रिक है, बैंक्स है, विक्टोरिया है, ठीक है। ये जो है भूटिया भूटिया पेनिनसुला है, ये आपका पूरा जो है बैफिन आइलैंड है, बैफिन की खाड़ी है, यहाँ लैब्राडोर सागर है, इसको डेविस स्ट्रेट बोलते हैं। अब यहाँ इधर इस पार्ट में आइए, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इस पूरे जो खाड़ी है इसको हम लोग हडसन की खाड़ी बोलते हैं, हडसन की खाड़ी बोलते हैं। और ये जो द्वीप है इसका नाम साउथहैम्प्टन द्वीप है। इसके अलावा भी इसे बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं, तो सब नाम याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ एक आध नाम जैसे देखिए ये जो है इसको बेल्चर द्वीप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हडसन लिख भी रहा है। और यहाँ देखिए जो ये पैसेज है इसको हम लोग बोल रहे हैं नॉर्थ वेस्टर्न पैसेज बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये जो आपका गल्फ स्टेट है इसको हम लोग हडसन स्टेट बोलते हैं, लिखना भी चाहिए। चलिए नहीं लिख रहा तो कोई बात नहीं है। ये देखिए हडसन स्टेट लिख रहा है ना आप, ये देखिए हडसन स्टेट है, ठीक है। तो काफ़ी बेहतरीन हो गया अब ये, तो ये आपका हडसन का गल्फ हो गया, हडसन की खाड़ी, हडसन बे हो गया, हडसन स्टेट हो गया, साउथहैम्प्टन आइलैंड हो गया, बेल्चर आइलैंड हो गया। देखिए थोड़ा सा पार्ट ये निकला है यहाँ पे, इसको जेम्स बे बोलते हैं, जेम्स की खाड़ी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें द्वीप भी है, छोटे मोटे द्वीप भी है, ठीक है जितना याद हो पाए उतना बढ़िया है। अब आगे चलिए, तो इधर वाली बाउंड्री क्लियर। और जहाँ तक पानी का है तो ये देखिए बेवकोट सी है, ये आपका ये चुक्सी सी है, ये बेरिंग सी है, ये बेरिंग स्टेट है, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये बैफिन बे है, ये लैब्राडोर है, ये डेविस स्टेट है, ये नॉर्थ वेस्टर्न पैसेज है, ठीक है। ये हडसन बे है, ये आपका हडसन स्टेट है, ठीक है। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अब ये जो एरिया है इसको बोलते हैं उंगावा पेनिनसुला, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये लैब्राडोर सागर, इसलिए इसको कोस्ट ऑफ लैब्राडोर भी बोलते हैं। और ये जो प्लेट्यू है, ये बड़ा सा प्लेट्यू, इसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंसियन प्लेट्यू। ये पूरा जो पार्ट है ये, इसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंसियन प्लेट्यू, ठीक है। लॉरेंसियन प्लेटो, ये वाला पार्ट लॉरेंसियन अपलैंड, नहीं लॉरेंसिया शब्द याद रखना, जबकि लॉरेंसिया शब्द हम लोगों को जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ रहे थे कि जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के पहले वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, उसमें ये हुआ कि जब पेंजिया टूटता तो दो भागों में टूटता, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड को लॉरेंसिया भी कहा जाता है, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं लैब्राडोर सी। अभी इस पार्ट में हम लोग फोकस करते हैं, ये पार्ट जो हमारा है इस पार्ट में फोकस करते हैं। तो ये तो आपका लैब्राडोर हो गया, बाकी सबको पता है कि ये अटलांटिक महासागर है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं, ये अटलांटिक महासागर है। आगे देखिए, ये जो द्वीप है, ये देखिए ये जो द्वीप है इसका नाम है न्यूफाउंडलैंड, ये ध्यान रखना है, न्यूफाउंडलैंड है। देखिए गल्फ ऑफ लॉरेंस है, इसका मतलब ये देखिए ना, ये जो एरिया है ये, यहाँ पे एक नदी आती है जिसका नाम सेंट लॉरेंस है, ठीक है। तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सेंट लॉरेंस नदी है, तो ये लॉरेंस बे भी है। अब देखिए ये एक थोड़ा सा द्वीप है जिसका नाम एंटीकोस्टी है, ये आपका न्यूफाउंडलैंड है। ये देखिए प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड। ये जो इधर निकला इसको हम लोग नोवा स्कोशिया बोलते हैं, ये थोड़ा सा हम लोग ऐसे कर लें। देखिए ये है, ये सेंट लॉरेंस नदी इधर से आई ऐसे, इसमें गिर गई। ये गल्फ ऑफ लॉरेंस हो गया, ये एंटीकोस्टी है, ये न्यूफाउंडलैंड है, ठीक है।
यहाँ देखिए जो स्टेट है यहाँ पे, ये ध्यान से देखिएगा, इसको बेली बेलीज स्टेट बोलते हैं, यानी कि ये बेली बेलीज स्टेट जो है ये गल्फ ऑफ लॉरेंस को किससे जोड़ता है, लैब्राडोर सागर से जोड़ता है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे, ये एंटीकोस्टी, ये आपका न्यूफाउंडलैंड, ये आपका नोवा स्कोशिया, देखिए लिखा भी हुआ नोवा स्कोशिया, ये प्रिंस एडवर्ड आइलैंड हो गया, ठीक है। चलिए आगे, ये बात मुझे लगता है मोटी मोटी क्लियर होगी। और बाकी यहीं पे ग्रांड बैंक है, न्यूफाउंडलैंड के पास ग्रांड बैंक है, सबको पता है ये मछली के लिए जाना जाता है, एक ग्रांड बैंक है एक डागर बैंक, तो ग्रांड बैंक के पास है न्यूफाउंडलैंड के पास, और डागर बैंक जो है वो पश्चिम यूरोप के पास है, दोनों जो है विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्र हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है ये भी क्लियर हो गया। अब इधर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर ये जो यहाँ पे छोटा देखिए ये निकला हुआ है, ये पार्ट जो निकला हुआ है, ये देखो ये इसको लॉन्ग आइलैंड बोलते हैं, ये जो पार्ट निकला हुआ है, और इसी पे न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क जान ही रहे हैं अमेरिका का एक महत्वपूर्ण शहर है, ठीक है, उसको हम लोग जानते रहते हैं, ठीक है। बाकी थोड़ा सा और अप डाउन करेंगे, थोड़ा सा और इधर आएंगे आप, तो ये हल्का सा ऐसे कर लेते हैं हम लोग इसको, ये हो गया। और जैसे थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे, ये वाला जो पार्ट है इसका नाम है केप हैटरस, केप हैटरस का महत्व तो है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। अच्छा एक चीज देखिए, ये इम्पोर्टेंट, ये बगल मिल रहा है, ये आपका केप हैटरस है, ये देखिए बरमूडा, ये बहुत अच्छा है, ये आप जब बरमूडा ट्रायंगल वगैरह का नाम सुनते हैं, यहाँ पे पहले जहाज वगैरह इस एरिया में आकर के डूब जाया करती थी, तो देखिए बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा ये यहाँ पे है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक, तो ठीक है, ये हो गया आपका बरमूडा भी आपको दिख गया, बहुत अच्छा। आगे देखिए ये आपका केप हैटरस हो गया, एक्चुअली केप हैटरस और देखिए फिर तुरंत यहाँ फ्लोरिडा स्टेट है, ठीक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक केप हैटरस तक, यानी कि ये आपका केप हैटरस है और ये आपका बरमूडा, ये फ्लोरिडा है, यहाँ तक जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है उसको फ्लोरिडा जलधारा कहते हैं, इसके बाद केप हैटरस के बाद ही उसको गल्फ स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट बड़ा मतलब एक फैक्ट है, जब आप जलधारा पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, इसीलिए मैप की जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि पढ़ाई आपकी सहज हो जाए। ये फ्लोरिडा है, ठीक है, ये फ्लोरिडा है, यहाँ जो जलधारा ऐसे चलती है, ऐसे 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 यहाँ तक पहुँचती है, तो इसे कहते हैं फ्लोरिडा। जैसे केप हैटरस ऐसे आगे बढ़ती न्यूफाउंडलैंड तक, इसको गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं, और फिर यहाँ जलधारा ये जब ये इधर यूरोप के पास जाती है, तो इसे जो है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह बोलते हैं, ठीक है, ये आपको मिलेगा, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। चलिए ये तो आपको मुझे लगता है अब हल्का हल्का पर क्लियर हो गया। अब इधर हम लोग आगे फिर फ्लोरिडा, और मुझे लगता है किनारे किनारे अब बात होगी क्लियर। अब हम लोग थोड़ा सा फिर बीच में क्लियर करने का प्रयास करते हैं, जैसे फिर कनाडा से स्टार्ट करते हैं। ये जो पार्ट है, ये पार्ट देखिए आप ध्यान से, यहाँ बहुत सारी झीलें हैं, ठीक है, और इसमें देखिए ये झील जो, इसमें देखिए नाम अभी आएगा, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, चलिए हम बताते हैं आपको नाम। देखिए ये जो झील, इसका नाम ग्रेट बियर झील है, देखिए ये मैकेंजी पहाड़ी मैंने बताया था अभी, ये मैकेंजी नदी है, ये ग्रेट बियर झील है, ये ग्रेट स्लेव झील है, बगल में क्या है, ग्रेट स्लेव झील है, ठीक, ये दो झीलें आपकी बड़ी बड़ी हो गई। फिर ये देखिए बगल में जस्ट यहाँ पे आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे इस एरिया में, तो जो झील है उसका नाम है ये वाला जो झील है, ये झील है, ये जो झील है इसको हम लोग अथाबास्का झील बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अथाबास्का। तो तीन झील ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव और अथाबास्का, तो ये तीन झील आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं आपको एक आध बेहतर जानकारी देता हूँ, जैसे देखिए और थोड़ा सा इधर आप आएंगे, देखिए ये झील यहाँ पे दिख रही है, देख रहे होंगे आप लोग, दिख रहा होगा, इसका नाम है विनिपेग झील। तो विनिपेग झील इम्पॉर्टेंट है, विनिपेग का नाम आपने सुना होगा, ये एरिया जो है गेहूँ के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो उस हिसाब से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये विनिपेग हो गया, तो चार मैंने आपको झील बताई, एक विनिपेग, ठीक, और भी बहुत सारी झीलें हैं, छोटे छोटे झीलें, लेकिन ठीक है जो हम लोग इतना अभी कवर कर पाते हैं, ये विनिपेग है, ये अथाबास्का है, ये ग्रेट स्लेव है, ग्रेट बियर है, तो ये चार झीलें आपको इधर याद करनी है, ठीक है। तो ये बात हो गई क्लियर। अब देखिए इसमें एक ये जो ये है ये झील है,
बिनिपेग, बिनिपेग में एक नदी आगे गिरती है जिसका नाम है सस्केचवान। सस्केचवान नदी आती है बिनिपेग में गिरती है, और बिनिपेग से फिर एक नदी निकल के जो जाती है ये हड़पन की खाड़ी में जिसका नाम है नेल्सन जाके गिरती है। तो सस्केचवान और नेल्सन ये दो नदियां आपको और मिल गई और इतनी झीलें मिल गई। तो यानी कि आपको यूकॉन मिली, मैकेंजे मिली, सस्केचवान मिली, नेल्सन मिली, ये कुछ नदियां आगे हो गई। अब आगे देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया इस एरिया का, ठीक है। और ये जब इधर आप यहाँ पहुंचेंगे इस पार्ट में, देखिए यहाँ विश्व की प्रमुख 5 झीलें हैं। हम लोगों ने जीएस वगैरह में पढ़ा हुआ, इसको थोड़ा सा देख भी लेते हैं, ठीक है। ये अभी नाम आना शुरू कर देगा इस एरिया का। ये देखिए लेक सुपीरियर लिखा हुआ है, ये लोग लेक सुपीरियर है, ठीक है। और फिर ये जो झील है ये सुपीरियर है, ये मिशिगन है, ये ह्यूरन है, ये इरी है, ये ओंटारियो, ठीक है। ये 5ों झीलें हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि 4 झीलें तो बाउंड्री पे है, लेकिन मिशिगन जो झील है वो पूरी तरह से यूएसए में है। इसको याद रखिएगा, मिशिगन झील कहाँ है, पूरी तरह से यूएसए में है, ठीक है। और बाकी इसमें बहुत सारी नहर है, जैसे मान लीजिए ये सुपीरियर हो गया, मुस्कियन हो गया, यूरन हो गया, इरी हो गया, ओंटारियो हो गया। तो जैसे सुपीरियर नहर है, ठीक है, इरी नहर है और वैलेंड नहर है, 3 नहरें हैं। इसको देखना होगा कौन सी नहर किसको जोड़ती है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको हम लोग याद नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए देखिए सुपीरियर और ह्यूरन के बीच जो है, ये जो सुपीरियर और ह्यूरन है इसके बीच में 2 नहर है, ठीक है। इरी और ओंटारियो के बीच में ये जो है इरी है और ये ओंटारियो है, इसके बीच में बैलेंड नहर है, ठीक है। और इरी इरी नहर जो है यहाँ इरी, ये इरी है ना, इरी नहर इरी और कह सकते इरी और ह्यूरन के बीच में, ठीक है। ये मोहाक नदी को जोड़ती भी है, ठीक है। और फिर ये जो ये नहर है, ये फिर ये न जाके इससे जुड़ जाती है सेंट लॉरेंस नदी। देखिए ये तो सेंट लॉरेंस नदी से जुड़ जाती है, तो पूरा ये कह सकते हैं कि एक आंतरिक जलीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है, और ये पूरा एरिया इस तरह से एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो बढ़िया है, ठीक है, अच्छा फैक्ट है, इसको अपना दिमाग में रखिए। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर देते हैं, जैसे देखिए ये सुपीरियर है, ये ह्यूरन है, ये मिशिगन है, ये ह्यूरन है, सुपीरियर है, ये मिशिगन है, ये ह्यूरन है, ये इरी है, ये ओंटारियो। तो सुपीरियर और ह्यूरन के बीच में 2 नहर है, ठीक है। और इरी और ओंटारियो के बीच में आपका बैलेंड नहर है। बैलेंड पे एक इम्पोर्टेंट और फैक्ट है, न्याग्रा जलप्रपात स्थित है। सबको पता है न्याग्रा जलप्रपात काफी फेमस है, और ये इरी और ओंटारियो के बीच में ही बैलेंड नहर पे है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको अपना दिमाग में रखिए, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हो गया आपका। अब हम लोग थोड़ा सा इसके संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी प्रांत एरिया में आते हैं। ये जो है यहाँ हम लोग देखे ना, यहाँ पे हम लोग थे, ये आप कोडियाक था, ये अलास्का था, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब देखिए मैंने ये बताया था आप लोगों को, ये जो बाहर बाहर ये इधर अंदर में जो पहाड़ी एक रॉकी है, और देखिए समुद्र के जस्ट सटी हुई पहाड़ियां, इसको हम लोग बोलते हैं कोस्ट रेंज। क्या बोलते हैं? कनाडा में इसको बोलते हैं कोस्ट रेंज, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये मैकेंजी है, ये रॉकी पूरा देखिए है तो टोटल रॉकी, लेकिन फिर स्थानीय नाम है सब। ये आपका कोस्ट रेंज हो गया। जैसे हम लोग यूएसए में आते हैं, इस पार्ट में यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इस पार्ट में, तो ये आपका ये जो है इसको यहाँ पे कॉस्केट रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्केट रोज बोलते हैं। और जैसे थोड़ा सा नीचे आते हैं इसको सेरा निवादा बोलते हैं। ये है कॉस्केट, सॉरी ये है कॉस्केट, ये है सेरा निवादा। बाकी किनारे किनारे तो फिर आपका ये कोस्ट रेंज तो है ही, ठीक है। ये यहाँ पहाड़ी काफी चौड़ी हो गई, देख रहे काफी चौड़ी थी। ये कॉस्केट है, ये सेरा निवादा है, बाकी इधर तो आपका रॉकी तो बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, रॉकी तो पूरा है ही, ठीक है। तो ये आपका एरिया मुझे लगता है थोड़ा सा आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए पहली बात तो ध्यान रखिए कि इधर इधर यहाँ पे जब आप आएंगे कि मैकेंजी पहाड़ी है, ये अलास्का पहाड़ी, फिर जस्ट यहाँ से देखिए कोस्ट रेंज है, ये रॉकी अपना पूरा ये चल ही रहा है। और जैसे आप यहाँ आएंगे तो ये कॉस्केड है, फिर सेरा निवादा है, ठीक है, इधर से रॉकी है ही, और फिर कोस्ट रेंज एकदम जस्ट ये कोस्ट रेंज है भी।
अब देखिए इसमें कुछ जो कास्केड रेंज है इसमें कुछ चोटियां हैं, इंपॉर्टेंट चोटियां हैं, उसका नाम है रेनियर हुड और सहस्ता। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, रेनियर हुड और सहस्ता, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। और सेरा निवादा, और ये जो सेरा निवादा है जस्ट यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ये रॉकी, इसके बीच में जो बेसिन है उसे ग्रेट बेसिन कहा जाता है, ठीक है। और कॉस्केट और राकी के बीच में जो एरिया है, ये जैसे ये सेरा निवादा हो गया, ये रॉकी, इसके बीच में जो बेसिन है पूरा, इसको हम लोग ग्रेट बेसिन बोलते हैं। और जो ये कॉस्केट, ठीक है, ये कॉस्केट प्लस रॉकी के बीच में जो एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं कोलंबिया पठार बोलते हैं, ठीक है। ये कोलंबिया पठार है, तो ये थोड़ा सा हमको कॉम्प्लिकेटेड है। ये मान लीजिए कॉस्केट है, ये रॉकी है, तो यहाँ पे कोलंबिया पठार है, ठीक है, यहाँ सेरा निवादा है और यहाँ पे रॉकी, जिसके बीच में ग्रेट बेसिन है इस एरिया में। ये मान लीजिए कि आपका हो गया कोलंबिया, ये हो गया ग्रेट बेसिन, ठीक है। और जैसे थोड़ा सा और नीचे आएंगे आप इस पार्ट में यहाँ पे कोलोराडो पठार है, ठीक है, और यानी कि मोजावे डेजर्ट और रॉकी पहाड़ी तो पूरा है, ये है इधर पहाड़ी है, क्या कह सकते हैं, ये वाला साक्रेमेंटो पहाड़ी है, साक्रेमेंटो, और जो है इधर आपका जो है मोजावे डेजर्ट, यहाँ पे कोलोराडो पठार है, ठीक है। और जब आप मैक्सिको में आएंगे तो यहाँ दो पहाड़ियाँ और हैं जिसका नाम है सेरा माद्रे ओरिएंटल, इस एरिया में ये, और ये इधर वाले एरिया में इसका नाम है सेरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। मैंने एक दिन बताया भी था आपको कि जो ओरिएंटल होता है वो पहाड़ी पूरब की तरफ होगी, जो ऑक्सीडेंटल होगा वो आपका पश्चिमी तरफ। तो सेरा माद्रे ओरिएंटल, सेरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, और फिर इधर आएंगे कैलिफोर्निया गल्फ में, कैलिफोर्निया